नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी परमार्थ समाज सेवी संस्थान के तत्वावधान में नून नदी पर एकत्रित हुए कोच, डकोर और महेवा विकास खंड की 30 किलोमीटर लंबी पट्टी में लगभग 2.5 दर्जन गाँव की जीवन रेखा कही जाने वाली एक समय सदा नीरा रही नून नदी सतत सूखे के कारण लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। इसके बाद परमार्थ ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। अब नतीजा आपके सामने है। परमार्थ ने पर्यावरण दिवस मनाने के लिए रगौली ग्राम को चुना, जहां चेक डैम बनाकर और चारों तरफ हरियाली लगाकर नून नदी को जीवनदान देने की शुरुआत की गई। यह प्रयास अब बृहद कामयाब दिखाई दे रहा है। इस पर संतोष व्यक्त करने के साथ परमार्थ की पर्यावरण प्रेमी टीम ने नदी के पुराने स्वरूप को बहाल करने के लिए संकल्प को जारी रखते हुए तय किया है कि नदी के दोनों तटबंधों पर 1 किलोमीटर तक पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। इस दौरान गोष्ठी आयोजित करने के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के लिए लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। सोमवार को परमार्थ समाज सेवी संस्थान के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत भवन में एकत्रित हुए। यहां पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक अनिल सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम पर्यावरण दिवस क्यों मना रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान में पेड़ पौधों की घटती संख्या की वजह से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बन गई है, जिसके चलते तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। संकट से निपटने के लिए हर व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाकर उनको संरक्षित करना है, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं। अनिल सिंह ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व से भी परिचित कराया। इसके बाद लगभग 2 सैकड़ा ग्रामीण नून नदी के तट पर पहुंचे और बृहद मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके बाद ग्राम प्रधान बलराम पाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बलराम सिंह ग्राम प्रधान, जगपाल सिंह पूर्व प्रधान, दुर्मान सिंह, मान सिंह सचिव ग्राम जलगम समिति, विक्रम सिंह पंचायत मित्र, रमेश अध्यक्ष ग्राम जलगम समिति, अनीता समूह सखी, कमलेश अध्यक्ष महिला मंडल, ममता, रेखा, पिंकी, राखी, ममता, दीनदयाल, पप्पू, छोटे महाराज, महेश, पिंटू, जयवीर, मूलचरण, राजू, निर्मल पाल उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए उरई से संदीप पांडे की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।